आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सस्पेंशन ब्रिज कैसे काम करता है हम थोड़ा नजर डालेंगे इस पे। और ये आपको पता ही है कि ये मोरबी के टूटने का पहला वीडियो आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर। अब आप ये देखिए कि एकदम से गिरा, ये एक स्लो प्रोसेस होता है। मैं आपको बताऊंगा सस्पेंशन ब्रिज काम कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत ही दुखद हादसा दोस्तों, 134 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और अब तो जांच में ये पता चला है ये माचो रिवर है और 400 से ज्यादा लोग पुल पे थे, ब्रिज पे थे। तो ऐसा क्या हुआ, बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारे शानदार ज्योग्राफी कोर्स की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रतीक सर आपको ऐसी ज्योग्राफी समझाएंगे ना जिंदगी में भूलोगे ही नहीं, तुम्हारे राइट ब्रेन में सब छप जाएगा। ज्योग्राफी कूपन कोड आप यूज करेंगे आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। सस्पेंशन ब्रिज हाउ दे वर्क, इस तरीके का कुछ हालात है, मैं आपको थोड़ी सा साइंस समझाता हूं। बहुत तरीके के ब्रिज होते हैं और ट्रेन में मुझे बड़ा डर लगता है। मैं पता है कि जब मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था, अभी भी करता हूं, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए फ्लाइट से ट्रैवल करता, लेकिन अभी भी ट्रेन इज दी बेस्ट। तो रात में जब वो ट्रेन पुल से गुजरती थी तो जो आवाज होती थी एकदम दिल दहल जाता था कि बाप रे बाप रे बाप, ये कहां आ गए हैं। एनीवे, तो ये है मोरबी, ये है पुल, ये है मच्छू रिवर, राजकोट से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। राजकोट सोमनाथ जाओगे, गीड़ जाओगे तो बीच में राजकोट पड़ता है काठियावाड़ रीजन में, ठीक है। तो टूटने से पहले, ये मैंने कल लेक्चर लिया था पूरा का पूरा इस पे, ठीक है। और टूटने के बाद हालात आप देखिए, टूटने से पहले सब चंगा सी, अभी तो 26 अक्टूबर को उसको इनॉग्रेट किया था, बढ़िया है, सब घूमने आएंगे, मस्त तरीके से घूमेंगे। टूट के गिर गया, धुआं धुआं हो गया सब कुछ। तो सरकार का फैसला यह है कि पोस्टमार्टम नहीं होगा, 4 लाख रुपए यहां पर कॉम्पनसेशन देने की घोषणा यहां पर की गई है, ठीक है, भूपेन्द्र पटेल जो कि चीफ मिनिस्टर हैं। और इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत ही दुखद तस्वीरें दोस्तों, ठीक है। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है सस्पेंशन ब्रिज का वो क्या क्या होते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, परेशान मत होइएगा, सिर्फ अभी पढ़ लीजिए। गर्डर्स, 2 or more सस्पेंशन केबल्स, टावर्स, एंकरेज फॉर केबल्स एट द आइदर एंड ऑफ द ब्रिज। सर समझ नहीं आया है, अभी दिखाते हैं फिर, ये देखो, ठीक है, ये है डेक जो आपको दिख रहा है जिसपे आप चलते हो, बढ़िया, बहुत ध्यान से समझना। ये है सबसे इंपॉर्टेंट सस्पेंशन केबल, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, लाल कर देता हूं। ये सस्पेंशन केबल दिख रहा है आपको, मैंने ये मान लीजिए कोई मेरे पास वेट है और इसको मैंने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है केबल के थ्रू, मतलब ये यहां पे लगा हुआ है, केबल ऐसे जा रहा है, ऐसे मैंने हैंग करके रखा हुआ है। कोई भी चीज आप ले लीजिए, ठीक है, झोला को, झोले को ही आप ऐसे पकड़ लो, राइट। सस्पेंशन मतलब क्या, सस्पेंड मतलब क्या, पकड़ा हुआ है ना। अब ये सस्पेंशन केबल कहां से बंधे हुए हैं, ये 2 टावर हैं, इनसे ये सस्पेंशन केबल बंधे हुए हैं। ये कहां से कनेक्टेड है, ये आप देख सकते हो, ये एंकरेज है, समझ गया। तो ये और ये वर्टिकल सस्पेंडर्स हैं। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो पूरा का पूरा वेट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा वेट है, ये इन टावर्स पे जा रहा है और टावर से फिर ये यहां पे जा रहा है, यानी कि सब कुछ बैलेंस है, टेंशन कंप्रेशन पूरी तरीके से बैलेंस है। मैं बिल्कुल फिजिक्स अभी नहीं समझा रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम से समझ सकते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको शायद मतलब चीजें हो सकता है कि नहीं समझ में आए, तो इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। देखिए फोर्स बैलेंस होती है, ठीक है, 4 एक तरीके से फोर्स लगती है ना, ऊपर की, नीचे की, पीछे की, आगे की, फ्री बॉडी डायग्राम, हालांकि वो डिपेंड करता है, ठीक है। बट यहां पे देखिए फोर्स बैलेंस है और वेट जो है वो पूरा का पूरा यहां पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब इससे क्या है, सब कुछ बढ़िया है, लोग आ जाए, लेकिन लिमिट होती है, लोगों की लिमिट होती है, अगर बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे तो ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा। फिर देयर इज ऑल्सो कि स्लोइंग, स्लोइंग मतलब स्लो चलना, बहुत धीमे धीमे चलोगे तो लोड बढ़ेगा। हालांकि यहां पे आईआईटी के प्रोफेसर ये बताते हैं और ये बट ऑब्वियस है कि जब सस्पेंशन ब्रिज टूटता है तो ऐसे नहीं टूटता है जैसे मोरबी में टूटा है, पहले ये वर्टिकल सस्पेंशन टूटेगा, एक टूटेगा, मान लो मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, खट से मैंने यहां पर छोड़ दिया तो यह गिरेगा, यह लटका रहेगा, समझ रहे हो, यहां पे एक सस्पेंशन गया, ये लटकेगा, सस्पेंशन केबल टूटेगा, ये टावर से आप विजुलाइज कर पा रहे हो ना, ये टूटा, बाकी ब्रिज तो लटका ही रहेगा ना, टूटेगा लेकिन स्लो प्रोसेस होता है, फिर यहां से टूटेगा, ठीक है, तब धड़ाम से धीमे धीमे टूटेगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ, मोरबी में एकदम से टूटा, एकदम से कोलैप्स किया है, क्यों, वर्टिकल सस्पेंडर्स की वजह से, वर्टिकल सस्पेंडर टूटे हैं बीच के,
और वर्टिकल सस्पेंडर वेट जो है यहां पर ट्रांसफर कर रहा है और ये फर्दर वेट यहां पर ट्रांसफर हो रहा है। अब ये क्यों हुए? वर्टिकल सस्पेंडर भी ऐसे तो नहीं टूटेंगे भाई, देखो रिनोवेशन वर्क चला और ये वुडन था पूरा और इसको एल्युमिनियम से रिप्लेस किया गया, तो एक तो ये है कि इसकी इनर इंजीनियरिंग में बदलाव किया गया। फिर देखिए डेफिनेटली यहां पे हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग एकदम से आ गए। अब इतने सारे लोग एकदम से आ गए, एक कैपेसिटी है 250 लोगों की, तो ये टूटेगा ही टूटेगा, है ना, ये चीज है। चलो आगे देखते हैं। द मेन केबल्स आर सस्पेंडेड बिटवीन द टावर्स, मैंने बता दिया दो टावर मेन केबल सस्पेंडेड, ठीक है। ऐसे करते हैं ना यार, देखो ब्रिज बनाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, ये ऐसे मस्त दो एंकर रखो, है ना, यहां पे टावर रखो, दो एंकर रख दिए, टावर रख दिए, सस्पेंशन केबल लग दो और ये डेक हो गया और ये आपके वर्टिकल सस्पेंशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये एंकरेज जो कि सपोर्ट, ये मेन बेस रहेगा, मेन बेस, ठीक है, उसके ऊपर टावर रखेंगे हम ताकि वेट ट्रांसफर हो सके। देन उसके बाद सस्पेंशन केबल बिछाएंगे और उसके बाद वर्टिकल मतलब डेक के साथ नहीं, फिर डेक आएगा, सॉरी ये इसके बाद डेक आएगा और उसके बाद ये अगला काम होगा। तो ब्रिज बनाना आसान है, बस सिविल इंजीनियरिंग। कल मुझे एक बच्चे का मैसेज आया था, वो सिविल इंजीनियर था, तो उसने मुझे मैसेज किया था कि सर सिविल इंजीनियरिंग पे एक वीडियो बना दीजिए क्योंकि हालात हमारे इतने खराब हैं, हम इतने टैलेंटेड होने के बावजूद हमको 8-9 हज़ार की नौकरी मिलती है, मैं इस पे मेरे माइंड में है, मैं ये इस पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो सस्पेंडेड बिटवीन एंड कनेक्टेड टू द एंकरेज ऑफ द ब्रिज इटसेल्फ, मैंने बताया ना कि ये द मेन केबल्स, ठीक है, जो मेन केबल्स हैं दे आर कनेक्टेड टू द टावर और ये फिर एंकर से कनेक्ट होता है, समझ गए आप। इसीलिए मैंने आपको पहले फिगर दिखा के समझा दिया, वर्टिकल सस्पेंडर कैरी द वेट ऑफ द डेक एंड कम्यूटर लोड ऑन इट, द डिजाइनर इंश्योर दैट द लोड ऑन द सस्पेंशन केबल इज ट्रांसफर्ड टू द टावर एट द टू एंड, जो सस्पेंशन केबल का वेट है ना भाई, देखो वेट ट्रांसफर का मतलब समझ रहे हो, सपोज कि तुम मेरे ऊपर खड़े हुए हो तो तुमने अपना वेट मुझे ट्रांसफर करके रखा हुआ है, यानी कि मैं ताकतवर होऊंगा तब मैं तुमको संभाल पाऊंगा भाई। जो जब मकान बनता है तो मकान कैसे बनता है, पहले पिलर्स लगाए जाते हैं, वो पिलर्स ही तुम मकान के पूरे वेट को दहन वो करेंगे, तो जितने कम पिलर्स और जितने कम नींव मतलब जितने कम खुदाई उतना वो डेंजरस होता है, आप समझ रहे हो। तो इसीलिए ये मतलब है ट्रांसफर द वेट का मतलब है, ठीक है, which transfer them further by vertical compression to the ground by the way of anchorage cable, जो कि मैंने आपको बताया। और ये cable suspension bridge था, ये देख ही सकते हैं आप कि इस तरीके से कुछ टूटा है, है ना, ये vertical आप देख रहे हो ना, vertical suspenders टूटे हैं सबसे पहले, बीच से एकदम खत्म खड़ाक। All of this is balancing has to happen within the permissible weight restriction for the bridge given that deck is hanging in the air. क्योंकि deck जो है जहां पे जो लंबा होता है ना, जो जहां पे आप चलते हो, ठीक है, वो deck तो hang कर रहा है ना, deck तो हवा में ही है और सब suspension केवल anchorage पे depend कर रहा है। Given that the most important load bearing the members are the main suspension cables, the entire cross section of the main cable is mainstay of the carrying the load ensuring the buckling doesn't happen. But this is subject to two precondition, there must be no overloading. Overloading की precondition है कि overloading सबसे पहले नहीं होनी चाहिए, excessive swaying का मतलब है लोग निकलते रहे, ठीक है, वहां पर रुके ना, slow process नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये चीज है और ये मैं आपको समझा ही चुका हूं, अब इस पर तो मैं नहीं समझाऊंगा। अब पॉसिबल फैक्टर्स वही, एक तो ओवरक्राउडिंग है और वही है कि जो सस्पेंशन केबल्स है ये इंपॉर्टेंट, अभी तो हालांकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है लेकिन ये वीक और कोरोडेड थे भाई। अगर मैं किसी चीज को ऐसे लटका रहा हूं तो मैं ये इंश्योर करूंगा ना कि वो बढ़िया हो, मैं पुराना माल थोड़ी ना लगाऊंगा। ये भैया अबाबा आदम के जमाने का तो ब्रिज है और ये पता है भारत में बहुत सारे पुल में प्रॉब्लम है, ब्रिजेस बहुत सारे बहुत पुराने हैं, चल रहा है तो चल रहा है भगवान भरोसे, तो वो भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सरकार को इसका ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तो अब इसमें दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। वर्टिकल सपोर्ट का ठीक है, द जॉब ऑफ द वर्टिकल केबल्स इन अ सस्पेंशन ब्रिज इज टू ट्रांसफर द वेट ऑफ द डेक बाय टेंशन टू द टिन सस्पेंशन, ये भी मैंने आपको बताई थी कि वेट ट्रांसफर कहां कहां कैसे कैसे होता है, ठीक है, ये फर्जी। तो रॉबस्टनेस ऑफ द ब्रिजेस, सस्पेंशन ब्रिजेस आर अमंग द मोस्ट रॉबस्ट स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट वन मेड ऑफ ट्विस्टेड ग्रास, हम सबको पता है कि दुनिया में आपको सस्पेंशन ब्रिजेस बहुत सारे मिलेंगे, भारत में आपको सस्पेंशन ब्रिजेस बहुत मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए आपको काफी ज्यादा सस्पेंशन ब्रिजेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है स्पेन में भाई, अब देखिए ये पहाड़ी जगहों पे ज्यादा होते हैं क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज बनाना आसान होता है, बीम ब्रिज बनाना जो कि मोस्ट कॉमन होता है ना, पहले बीम रखेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से और उसके बाद फिर हम उस पर ब्रिज रखेंगे, तो बीम ब्रिज बनाना थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन सस्पेंशन ब्रिज बनाना खर्चा भी कम होता है और आसान होता है, हालांकि ये बहुत भारी लोड सहन नहीं कर सकता,
पहाड़ी एरिया पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन ये हल्के लोड के लिए ही बनाया जाता है। मैंने पिछली बार आई एम रियली सॉरी, मैंने गलती से ना लक्ष्मण झूला बोल दिया था। अरे यार, लक्ष्मण झूला जो है वो हरिद्वार में है, ऋषिकेश, तो लक्ष्मण झूला मैंने बोल दिया था। सुदामा ब्रिज था वो, द्वारका में सुदामा ब्रिज था, तो 10 रुपए टिकट लगता है, बहुत ही खूबसूरत बनाया है, और वहां पे जो गोमती नदी है उसको आप समुद्र में जाते हुए देख सकते हैं। तो ये आपको पता ही है कि गोल्डन गेट ब्रिज है, सबसे बड़ा ब्रिज गोल्डन, ये ब्रुकलिन में, ठीक है, अमेरिका में है। और भारत का जो लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटर सस्पेंशन ब्रिज है वो 725 मीटर डोबना शांति सस्पेंशन ब्रिज है, तिहरी लेक, जिसको अभी इनॉग्रेट किया। ओके, ये बाकी इस तरीके के ब्रिजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 7 मेन टाइप्स ऑफ ब्रिज होते हैं, यहाँ पे सस्पेंशन आता है, और सबसे जो मोस्ट कॉमन होता है बीम ब्रिज, आपने देखा होगा, है ना, ये बीम्स हैं, 1 2 3, है ना, ऐसे 1 2 3 4 पिलर रख दिया और उसके ऊपर डेक रख दिया, ये चीज है। चलो, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बहुत आसानी से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करिएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग लोगों के ट्वीट आए थे, हर किसी ने दुख व्यक्त जो है वो किया था। यहां पे पड़ता है मोरबी काठियावाड़ रीजन गुजरात। ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करिएगा, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे, जो भी इसमें यहां पे स्वर्ग सिधारे हैं। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।